हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज की हमारी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है जो है वेज लॉलीपॉप। तो आप लोग चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बर्तन लेना है हमें, थोड़ा सा ऑयल 1-2 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसे अच्छा सा सॉटे कर लेना है, मतलब उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 मिर्चें कट करके ले ली हूँ बारीक बारीक। फिर इसका भी कलर चेंज होने के बाद एकदम लो फ्लेम पर हमें ये सब करना है। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें कैरेट को बारीक बारीक चॉप करके मैंने ले ली हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर लेंगे बॉइल स्वीट कॉर्न्स, ये भी ऐड करने के बाद सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स देंगे। सब चीज़ों को मिक्स देने के बाद इसमें ऐड करना है हमें शेजवान चटनी, या फिर आप लोग रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रेड चिली सॉस ऐड की थी ताकि टेस्ट और एनहांस हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड की हूँ। और वापस से सब चीज़ों को मिक्स दे देना है और इसे फ्लेम बंद करने के बाद 2 मिनट सॉटे करना है। उसके बाद बंद करके इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है। अब बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस पर। यहाँ पर मैंने 6 आलू बॉयल करके ले ली थी, उसे अच्छा सा मैश कर लेना है या फिर ग्रेट कर लेना है। अब उसे एक बाउल में निकालना है क्योंकि हमें सब मसाले एक साथ ऐड करके उसका अच्छा सा मिक्सचर बनाना है। ये हमारा जो बैटर बनाए थे हम लोगों ने वेजीज वाला, वो अच्छा सा ठंडा हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, तो वो उसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक मसाला ली हूँ जो है ज़ीरा, धनिया और लाल मिर्ची, ये तीनों को प्लस करके मैंने इसे पीसी हूँ क्योंकि हाँ रमज़ान में ये बहुत यूज़ होता है। तो इसे हम लोग रगड़े का मसाला भी कहते हैं। और 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो आप लोग अगर चाहो तो ये मसाला पीस कर रख सकते हो, उसे हम लोग रगड़े का मसाला भी कहते हैं। बहुत ईजी पड़ता है सब रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पर ऐड करना है चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर और करी लीव्स बारीक बारीक कट करके 6 से 7 लीजिएगा। और भर भर के हमें धनिया ऐड करना है, हरा धनिया, ताकि टेस्ट और अच्छा आए माशाल्लाह। अब हाथ स्वाइप करके हमें सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए 1, 2 एंड 3। तो इसी तरह से माशाल्लाह हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसमें स्टिक लगाओ, अगर नहीं चाहो तो ऐसे भी राउंड करके आप लोग सर्कल शेप जो आपको देना है वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ हमारे घर के बच्चों के लिए करके दिखा रही हूँ आपको, और बच्चों को बहुत अलग अलग चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, इसलिए आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है और रमज़ान के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो इसे सर्कल करने के बाद इसके सेंटर में इसी तरह से स्टिक को इंसर्ट करना है। ये देखिए इस तरह से इंसर्ट करने के बाद चारों कोनों से अच्छा सा प्रेस करना है ताकि ये लॉलीपॉप की तरह दिखे। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हो। अगर वेज को आपको रखना है एज इट इज़ तो ऐसे भी बनाओ, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो इसी तरह से हमारा हुआ पहला पॉप्सिकल रेडी हो चुका है, सेम एज इट इज़। सबके साथ भी वैसे ही करना है जैसा मैंने की हूँ। अगर आप चाहो तो सब में स्टिक लगाओ, बाकियों को ऐसे भी नॉर्मल भी फ्राई कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से सेकेंड भी मैंने बनाकर दिखा दी हूँ आपको। और माशाल्लाह से सारी मैंने पॉप्सिकल्स बनाकर ले लिए। अब बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस पर। एक बर्तन में हमें लेना है ब्रेड क्रम्स, और वो भी अच्छा खासा लेना है हमें ब्रेड क्रम्स, और ये हमारे जो पॉप्सिकल्स बनाए थे वो, और यहाँ पर मैदे की स्लरी। मैदे की स्लरी थोड़ी हार्ड रखिएगा, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली कर दी हूँ। थोड़ी हार्ड रहेगी तो आपको फ्राइंग में बहुत आसानी होगी। और इसी तरह से ब्रेड क्रम्स लेना, आप चाहो तो पैंको ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हो। तो अब इसे डिप करना है मैदे की स्लरी में, मैदे की स्लरी में अच्छा सा इसे कोट कर लेना है। फिर उसके बाद वहाँ से निकालने के बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छा सा इसे डिप कर लें ताकि चारों ओर इसके ब्रेड क्रम्स ही रहे। ये देखिए इस तरह से जैसा मैं कर रही हूँ, और हल्के हाथ से हमें डैप डैप करते रहना है ताकि अच्छा से ये स्टिक रहे। सो इसी तरह से हमारी फर्स्ट पॉप्सिकल बनकर रेडी हो गई है। तो एज इट इज़ आपको सेम सबके साथ ऐसे करना है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन दिख के आ रही है। अब बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस पर। सेम एज इट इज़ मैंने सब पॉप्सिकल्स को मैदे की स्लरी में डिप किया, फिर ब्रेड क्रम्स में डिप किया, ऐसे ही बनकर बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। आप चाहो तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो एज इट इज़, 3-4 डेज ये आराम से चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। और सब हमारी बनकर रेडी हो गए। अब आते हैं फ्राइंग पर। फ्राइंग करते टाइम मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकी क्योंकि रमज़ान था, चालू है, और इफ्तारी के लिए हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसीलिए सिर्फ स्टार्टिंग का वीडियो ले पाई। उसके बाद बहुत ज़्यादा घाई हो गई तो मैं एंडिंग का सिर्फ क्लिप ली कि आपको दिखाने के लिए कि माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई थी। और जब तक ऑयल प्रॉपर हीट ना हो आप लोग इसको नहीं डालें, ऑयल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही इसे ऐड करना है। और ऐड करने के बाद बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, चम्मच वगैरह नहीं लगाना है, वरना ये फूटने लग जाएगा। सो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बनकर हो गई है रेडी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।